हेलो भाई, मैं अरुण पवार। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है भाई इस विंटर स्पीति में। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, सनरूफ खुली, और ये मैं बार बार नहीं दिखाना चाह रहा। एक्चुअली जब हम कल रुके थे भाई, ये है आपका स्पिलो है। इससे आगे नाको आएगा, उसके आगे फिर टाबो आएगा, और उसके बाद काजा आएगा। आज गाड़ी काजा ही लगा दूंगा नॉन स्टॉप। और गुड न्यूज़ ये है कि आज भाई वेदर फोरकास्ट में दिखा रखा है कि भाई बारिश होगी, वो स्नोफॉल होगी। बारिश का तो क्या ही करना है, -3 डिग्री है फिलहाल यहाँ पे, लेकिन इतनी ठंड नहीं है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने थैला वैला लेके। भाई थोड़े लेट हो गए उठने में, 11:16 पे निकल रहे हैं। चलो जी चल पार। स्कॉर्पियन का बूट स्पेस दे रहा हूँ, कितना बड़ा है भाई। यहाँ जो डाल लो, यहाँ अपने कम्बल वम्बल आ जाए, ट्रोली व्रोली बैग, दुनिया भर के बैग। रुक जा, मैं रख दूँ। थर्ड रो में कोरे आ जाए, बस 5 आदमी आएंगे ना तो फिर तो बहुत सामान आ जाएगा। विंटर स्पीति में बहुत सामान लाना पड़ा, जैकेट वैकेट ना। भाई अब निकल लिए हम लोग, यहाँ टेम्परेचर है भाई -2, और स्टार्ट हो लिया गाड़ी हमारी एक झटके में ही। मतलब मैंने कोल्ड स्टार्ट आज कर दी, पर इसका मीटर क्यों खराब है यार? ये गलत बताता है हर बार 11 डिग्री 11 डिग्री, बट दिस नॉनसेंस। और जहां हम रुके हुए थे स्पिलो में, यहां से 4.5 घंटे का रास्ता, काजा डाल लिया सीधा 171 किलोमीटर। नॉन स्टॉप गाड़ी ड्राइव करूंगा, प्राम टेस और खा लिया मैंने यहीं पे कि बार बार कौन रुकेगा। भाई यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक गाड़ी नहीं चलाओगे तो भाई आपकी गाड़ी भी यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले के लिए यूज में आ सकती है कि स्लो ड्राइव। सो ऑलवेज गुड ड्राइव एंड स्लो ड्राइव, क्योंकि पहाड़ आप देखोगे आंखों से जो दिख रहे हैं ना, वो कैमरे से नहीं दिख रहे भाई। आई एम रियली सॉरी, आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ डीजल फूक के। अभी भाई पता है बहुत, भाई उस वीडियो को देखने के बाद ना जो सनरूफ वाली थी, वो कमेंट्स आ रहे थे कि भाई उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। मतलब कुछ भी ऐसे प्रेशर ट्यूब और मतलब बहुत ज्यादा साइंस और फिजिक्स में घुस गए थे, ये ट्यूब्स में से निकलेगा पानी, प्रेशर कांट हैंडल ऐसे ऐसे। अब चलो उसका तो प्रेशर बहुत ज्यादा था मामा के। हाँ। या को तो ना यहाँ पे टेस्टिंग कर ले। सॉरी ब्रो सॉरी, अभी ये सीधा लगा लो इसको गाड़ी को। ना ना यहाँ पे अभी कर ले भाई, यहाँ को तो ना आया जाता प्रेशर। रहन दे भाई, तो चले या को कुछ और ही कलेज मत जा। क्यों अब तो भाई अब डायरेक्ट पानी भीतर आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इसका जो ये वाला सिस्टम है ना पूरा ही खुल चुका है, और ये बंद भी नहीं हो रही। ये देखो अब तक भी बंद नहीं हो रही लाइट, तो भाई ओके रिपोर्ट है भाई, एकदम मस्त जल रही है। और ये नहीं हो रहा कुछ भी, छोड़ो अब तो हम टेस्ट करने लायक भी नहीं बचे, वरना अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता। हाँ पर अगर मान लो किसी की ऐसे, मतलब कोई और स्कॉर्पियो अपने लेके आता भाई, मैं ये नहीं कहता कि सबकी ऐसे फट जाएगी, सबकी में आ जाएगा। या तो किस्मत खराब लगा लो, या फिर डिफेक्टिव पीस लगा लो, या फिर पहले से ही रबड़ लूज हो इसकी, भाई कुछ भी रीजन हो XYZ, पर अच्छा नहीं हुआ यार। जो भी था मतलब भरोसा सा उठ गया। कल को कोई और भी गाड़ी होगी सनरूफ वाली, झरने झरने के नीचे खड़ी करने से पहले ना हाथ पैर सब कपाएंगे, और पहले अपना कपड़े वपड़े उतार लिया करूंगा कि भाई नहाना ना पड़ जाए कभी। समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो वो खट्टा पसा चला जाता है ना, एक डर सा बैठ जाता है इंसान के मन में, वही वाली बात है यार। और तो क्या, बाकी सबकी सोच अपने साथ है, और ये गाड़ी मेरी मेरे साथ है। अरे भैया यहाँ पे क्या मांग रहे हैं ये फोन में? ये कोई ग्रुप सा जा रहा है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ तो नहीं अलग है, तो ऐसे भिड़ गए भाई। यहाँ नाम पता, एड्रेस, विलेज सब कुछ पूछते हैं भाई। मुझे पता है अपने इंडिया की क्या खास बात अच्छी लगती है, मैं आपको बता रहा था ना, स्पीति वैली में जब हम जाते हैं तो अपना ऐसे ये पुलिस वाले नाम पता, मतलब आईडी रखते कि कौन कहाँ के जा रहा है नहीं जा रहा। और भाई मतलब लोकलों से नहीं पूछते, जैसे HP नंबर गाड़ी है ना, SP25। भाई हम नेपाल गए यार, बाहर दूसरे देश है, वहाँ किसी को कोई मतलब ना, कितने बंदे हो बस गाड़ी का संबंध सा कटवा लो एक, और बस छुट्टी। यहाँ पे देखना सब पूछते कितना जाओगे, कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर बताओ अगर इमरजेंसी में होता है, मामा का लिखवाने जा रहा है, सबके नाम। किसी और दूसरे देश के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा, पर ऐसा मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि सब जगह होना चाहिए अगर कोई ऐसा विजिटर जा रहा है, क्योंकि नहीं भरोसा ना कब कहाँ क्या हो जाए भाई। तो यहाँ से चलते हैं, लिखवा के फरार होते हैं। 4 घंटे लगने वाले हैं 143 किलोमीटर के। ये ना मतलब डिस्प्ले ऐसे रियल लाइफ में फ्लक्चुएट नहीं करती, बस ऐसे FPS में ऐसे नहीं होते फोन की, और इसके तो करती है। वहाँ पे जब लिखवाने गए ना तो इंटरव्यू करे, बल्कि सारे इंडियन बैठे हैं, मैं हाँ जी सब इंडियन हैं। मैं चाइनीज से लग रहा हूँ ना भाई, मैं यहाँ अपनी शक्ल नहीं दिखाता वीडियो उससे, तो देखते कह दिया ये तो इंडियन है लड़का। कि यार खामा के लोग ऐसे ऐसे चाइना वही नहीं कहते, मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी है। कोई नहीं भाई, मैं अगर मुझको आज स्नोफॉल मिल गई मेरी गाड़ी टक गई तो मैं आज अपनी शक्ल दिखाती हूँ पक्का, प्रॉमिस। चलो जी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ।
यहाँ पे भाई ऑन द वे हमको ये सब भी होता रहता है ना, पहाड़ टूट टूट के गिरते रहते हैं ऑटोमेटिकली, फिर इनको क्लीन करते हैं तो फिर ऐसे रुकवा देते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए डंपर पे। तो ये जो धूल उड़ रही है ना हमको यहाँ तक भी सुनने को मिल रही है, जबकि हमारी शीशे सारे चढ़े हुए हैं उसका। मैं हम क्रेडिट देना चाहेंगे अपने सनरूफ को, पूरी धूल अंदर आ रही है यहाँ से, ये तो जब भी ना रोक पा रही है, हल्के हल्के छेद है ना उसमें से आ रही है यार, बहुत इरिटेट कर रही है ये धूल। टाटा हिटाची, टाटा भी किस किस लाइन में घुसी पड़ी है यार, हर चीज में टाटा भाई। पता है धूल आके आते रही, इतना इरिटेट कर रही है ना, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, पूछो मत ना यार। यू हिल रही है देखो, जब दचकीन में ना यू हिल रही है, हिले है यू, इतना कुछ सोलिड ना है यू, देख क्योंकि पटाक पट 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 हिल रही है। आते यू कच्चे रोडन पे जैसे पीछे यू, अब देख रहे हो ना शीशे में, देखो एक हल्ला शीशे में ध्यान से देखो, यहाँ में धूल सी भीतर घुस रही है यार गाड़ी में, हद है भाई। फाइनली हम लोग वेलकम टू स्पीति वैली पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे फिर से मामा का गया है और नाम पता वता लिखवाने के लिए। ये देखो भाई लाहौल एंड स्पीति का वेदर स्नो हो रही है, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे ना पूरा भरोसा है, जब तक मैं पहुंचूंगा ना भाई तब तक कुछ नहीं मिलने का, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये वाले भाई भी सूजू वाले एक और भाई मिल गए यूपी 32 लखनऊ से डायरेक्ट उड़ाते हुए। मामा के पकड़ लियो कहीं ना, इतनी देर लगा दी ना ना, फिर इनको भी अपने वाम काम से लग रहो। ये आपको एक चीज बताऊं, पिछली बार हमने थार पता तो कहां ले गए हम थार है, मुझे रास्ता याद आ गई। ये मतलब भाई ये जब पोल देख रहे हो ना इसके, इसमें ये फौजियों के लिए रास्ता जा रही है ऊपर, ये यहाँ ले गए हम अपनी थार है, ये यहाँ चढ़ा दी मैंने, पर अब कहना लेके जाऊंगा भैया ये यूएन थार ना। भाइयों इतनी मस्त वादियों के बीच में आपको एक हल्का सा लिटिल लिटिल ज्ञान दे देता हूँ भाई, अगर आपकी गाड़ी का स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है जैसे हमारी का हुआ पड़ा है, तो मैं बूडमो पे जरूर चेक करूंगा, घर पे जाके वारंटी में कर देते तो ठीक है ना, वरना बूडमो सदा बाहर है भाई। ऑनलाइन एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जहाँ से आप किसी भी गाड़ी का, चाहे स्कॉर्पियन जैसी एकदम नई हो, चाहे मारुति 800 जैसी एकदम पुरानी गाड़ी हो, आप बस जाइए वहाँ पे अपनी डिटेल भरिए गाड़ी की, और आपके घर बैठे बैठे आपके स्पेयर पार्ट आपको घर पे मिल जाते हैं। तो आगे से मार्केट में मत घूमिए, अपने घर पे बूडमो से स्पेयर पार्ट्स मंगवाइए। अब भाई साहब अपना ताबू में पहुंच चुके हैं, ले आओ जी ले आओ, बच गई गाड़ी जी बच गई, आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ जी। वो बात ना चल, तो ताबो में भैया थोड़ा सा क्या खाने का देख लेते हैं यार, सुबह से ऐसे ही ग्राम वगैरह कितने की है? 10 रुपए का पीस है, 10 रुपए का एक पीस, दिखाइए कितना बड़ा पीस है, पीस देने भैया बड़ी महंगाई। एक ही पीस ले ले, मैं एक ही पीस चख लूंगा, इतनी ना झिलेगी हम तक। राजमा खाओ चावल खाओ, काफी अच्छी शॉप है भाई, चल लेके आ जा फटाफट जो भी लाना हो, एक दो पीस लिया और क्या करें भाई, प्लेस भी थोड़ी बहुत वैसी है ना ये, तो भाई इनका रेट भी जायज है, देखो एकदम शांति सी है भी, 50 किलोमीटर बच गए, आ जा हाथ आ जा जब है यार, लेट्स गो। गाड़ी में तो उतरने का मन ना कर रहा भाई मेरा, पता क्यों, इतनी ठंड है ना बाहर बहुत ज्यादा, -8 है फिलहाल, 3-22 हो रहे हैं भाई, स्नो ना मिलेगी मुझे, अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है। तो ना कहा करके माने को ब्रदर, कभी पीछे लावे कभी आगे ले जाए, और भाई साहब इतनी ठंड पड़ी है, मतलब हाथ सुन्न हुई पड़े, हाथ पैर भी तरह को चल रहा है, एक ये जैकेट है, इसके नीचे टी शर्ट है, और बस अब वहीं देखेंगे है वो 1 किलोमीटर दूर चलवा के। वाह वाह भाई वाह, छोरे मौज कर राखी है, गर्मी बन गई है इतनी दूर से चलते चलते आ रहे हुए। वैसे आपको एक और कमाल की चीज बताऊं भाई, हमने ना ये देखो जैसे तैसे ये पर्दा सा ना कर तो दिया था आगे एक तरफ, लेकिन अब ये ना पीछे भी नहीं जा रहा है भाई बिल्कुल, मतलब इसमें कुछ अड़ी नहीं रहा, जैसे पहले ये चीज़ अड़ रही थी, देख रहे हो आप ये वाली चीज़ अड़ रही थी, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं अड़ रहा है, बस जा ही नहीं रहा बिल्कुल, पीछे भी नहीं जा रहा है ये, अब ना पीछे भी जा रही, ये देखो इग्निशन ऑन, अब ना पीछे भी जा रही सनरूफ, पहले पीछे तो जा रही कम से कम, आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, और इसका भी पता नहीं क्या सिस्टम है यार, इससे पीछे जा नहीं रही है,
आगे लग रही है लेकिन पीछे का कुछ सिस्टम ही नहीं है। तो ये दुखी है यार जिंदगी तो भाई। हमें ही पता हो भाई कैसी ठंड भुगत रहे हैं। ठीक है जी, हमें ही पता हो, बस हमारे दिल से पूछ कर देखो कोई कहा हाल है। कह रहे सुनो पड़ेगी तो सूरज देव था एकदम प्रसन्न है भाई। अब हम बस काजा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे देखने नदी के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं। 23 किलोमीटर बच गया। पहले मंदिर टाइम में जब आए थे जब तो जमी पड़ी थी, अब तो ये हो गई है ओपन। और यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलता, दो आंटियां मिल गई बस। मतलब ये आगे कह रही थी आगे हमको छोड़ देना, हम ठीक है। यहाँ पे भाई कोई सवारी ववारी नहीं है। यहाँ पे रिक्शा नहीं चलते क्या? ऑटो वोटो रेंट पे कुछ भी नहीं चलता है ना? मतलब ऐसे कुछ है ही नहीं, अपने व्हीकल ही बहुत कम है लोगों के पास, अगर कोई है भी तो ओनली कार्स है भाई। और मतलब ये भी लद्दाख सा ही है, मतलब जितना आप बढ़ते रहोगे आगे आपको अलग अलग तरीके के पहाड़ के नज़ारे मिलते रहेंगे भाई। काजा बच गए बस भाई। भाई नज़ारे जन्नत जो दूरी भाई, मतलब ये बादल हम इतने ऊपर आ चुके हैं कि बादल हम तो कुछ भी दूर ना बचे हैं अब। ओ आंटी हमने उतार दिया। और अब जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं ना भाई, कितनी कड़ी ठंड इधर। अब मैं नहीं चाहता कोई और इसको मेरे अलावा देखे भाई। यार आराम तो करियो, कभी किस्मत ऐसी है हमें जाके लगे पत्थर। ए ये यूरा टूट रही भाई, मामा के कते इन टूट रही भाई। यार पत्थर पे पानी कैसा जमा होएगा यार, किस तरीके से जमा होगा यार। मारे वो तो भी रिपटेगा, तोड़ के तोड़ देना इसको अगर तुम्हें जान है तो जाट को असली तो लाद दे हमें ला। ए दोरा दोरा हो रहा है सब, इसलिए दिख नहीं रहा भाई। पब्लिक भी यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा रही, खिंचवा हुई है बहुत अच्छे। और नीचे भी गई है जनता, पर हमारा कतई ऐसा है रो भाई। अब मामा कह रहो भाई अब मत रुकियो, कहीं 19 किलोमीटर डायरेक्ट पहुंचा दे। मैं कह रहा चल ठीक है उदास मत, पहुंचा दूंगा सुबह। रुकते रुकते हमें कोई 11-12 बजे चले हैं। तो ये नदी जमी पड़ी है पूरी कंप्लीट नहीं, रिपटा रिपटे कर दे। ओ दिल पे चलाई छुरियां मेरी मजबूरी। फाइनली हम चितकुल पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ पे कहा जा रहा है मामा के नोटी। यहाँ पे ना भाई डेस्टिनेशन का मजा नहीं है, यहाँ पे रास्तों का मजा है। और पहली बार स्कॉर्पियन ने माइनस में टेम्परेचर दिखा दिया -1, लेकिन हो रहा है -10। ये थोड़ा सा 9-10 थोड़ा मोमंदा चलता है, मतलब नेचुरली कैसे गिल गिल आ रही है वो कह रहे हैं ना उनका ना ऐसे ज्यादा को लेते जब ठंडा लग गई है, किसी ने कही है डॉक्टर ने कहा है। ओहो ये आ गया कहा जा भाइयों। ठीक है जी ओके, इससे आगे नहीं जाते, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। ये आप देख सकते हो स्पीति, आई लव स्पीति, जहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाए। यहाँ पे आके ना गूगल मैप्स काजा के लिए आपको बिल्कुल इस पॉइंट पे आके छोड़ता है, बिल्कुल यहाँ पे भाई। बहुत अच्छा नज़ारा है। अब जरा मशक्कत है रूम ढूंढने की। जो पिछली बार हम जा रुके थे मैं उनके पास फ़ोन किया, वो बोले कि आज तो अवेलेबिलिटी नहीं है रूम्स की जी। मैं कहा चलो जी अब आप ढूंढवाओगे हम पे, हम अब होम स्टे ही मिलते हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर ढूंढते यार मैं और मामा को होम स्टे यहाँ पे मिलके भाई। यहाँ ना सुनो फॉल का एस बी, ये गूगल वूगल तो पागल बनाने वाली निंजा टेक्निक है। अब यार कैसे ढूंढे यार मामा के होटल, होटल ना वो लेंगे। हाँ मतलब भाई होम स्टे, वेलकम होम स्टे एक्सपीरियंस विदाउट अस। 10 मीटर आगे और 10 मीटर आगे चल जल्दी सी, ऐसा दुनिया लगा रखी है। पिछली बार मैं यहीं थे गए, पिछली बार तो मैंने भैया ढूंढते ढूंढते गनी पूरे काजा से चक्कर काट के एक रास्ता से आगे हम यू दी गो, हम पहले ही में रुके। अब मेरे मामा की गनी देर रह गई, गेट बजाए जा रहे हैं पक्का यू है, कोई सुन ही ना रहा ना कोई आ रहा। अजी अंकल की क्रेटा पिंचर खड़ी है, बताओ जन कब तेने निकाली। जो नए भाई जुड़े हैं को नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले से जिन्होंने पहली सीरीज देखी उनको पता होगा इसमें रुके थे। अभी आई ना रहे, अब कहाँ जाऊँ मैं, हम यहाँ रहे कोई दिखे भी तो ना कोई लोकल भाई। अब कैसे कैसे करके उन्होंने तो गेट खोला नहीं, तो हमने पुराने जो थे जिनके पास हम रुके थे उनका नंबर था, उनसे कॉल किया कि अरे कुछ दिलवा दो जी आपका फोन है, तो उन्होंने किसी का नंबर दे दिया इनका बोर्ड के पास। वो आ रहे हैं, मतलब ऐसे मिलते हैं यार कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट, ये लड़का लगता है मेरे ख्याल से बीच पर आया ये कार से मड़ा उस। हाँ पार्किंग कहाँ पे लगेगी? अच्छा उनकी पार्किंग तो पड़ी है यहाँ लगा दूसरी साइड में, है ना यहाँ सेफ है ना, यहाँ कोई दिक्कत तो ना है?
तो भाई जूते यहाँ उतारने पड़ते हैं, एंट्री हमने ले लिए, मड हाउस है, बहुत मंदे टाइम का कच्चा मिट्टी का बना, और ये आपका जनरेटर होंडा का, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं आती तो इनको इससे ही काम चलाना पड़ता है। ऐसा अंधेरा गुप्त भाई डरना मत, ये हमारा रूम है, मतलब मेरे हाइट से भी आधा, मतलब गेट है और ऐसे झुक के जाना पड़ता है। और ये भैया ऐसा रूम है भाई, हाँ काजा में ऐसे ही मिलता है, लाइट आ रही तो ये वाला हीटर तो चल नहीं रहा, और ये गैस सिलेंडर से ये हीटर लगा रखा है। फिलहाल घड़ी भी गई हमारी, तो मतलब माइनस 12-13 टेम्परेचर है, पर इससे गर्म हो रखा है कमरा, तो यहाँ पे सो सकते हैं, यहाँ डबल बेड भी है, सब ये है। रोटी खाने चलते हैं, वो मतलब इसमें 1200 रुपये पर पर्सन होता है, उसमें फिर आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलता है। तो भाई मोमोज और फ्राइड राइस खा के यही था, पता नहीं डिनर स्नैक्स सा होता है, पर कोई नहीं, हमने भी ज़्यादा फरमाइशी नहीं रखी कि जो भी ठीक है यार ऐसी जगह पे कुछ भी मिल जाए वो तेरा। यहाँ दिक्कत वॉशरूम वगैरह की रहती है यार, पानी जमा रहता है, फिर गर्म पानी लो थोड़ा सा रहता है। ये थर्मोमीटर सा इसमें बताता है टेम्परेचर कितना है, तो ये -80 पे है, इसकी लालची सुई पता नहीं सही है गलत है क्या है। अब सोते मामा का वॉशरूम में, वीडियो लेने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।